कल बकरा ईद है ना, तो भाई यहाँ पे हद से ज्यादा बकरे हैं, यहाँ पे सारे खरीद रहे हैं, रेट लगा रहे हैं, बोली है लग रही है। ये भी बकरे ले आ रहे हैं इधर है, कारगिल के वे में जोजिला पास पे तो पहुंच चुके हैं। ये खड़ा हमारा छोटा जोजिला पास, मजा आ गया, एक नंबर का व्यू है। अब हम वहां जाएंगे आगे, वहां पे एटीवी भी चलाएंगे और वहाँ पे एटीवी भी चलाएंगे या स्कीइंग भी करेंगे। और वो रहे अपने मित्र, वो वहाँ पे अपनी ये मक्की है होती है ना, ये बनवा रहे हैं। पर भाई मजा आ गया, एक नंबर का व्यू बनवा कह दी गए चलो भाई कमल जोजिला पास तो पहुंच गए, इतने तो और बहुत जगह जाना। भाई पूरा मजा आ रहे हैं। अब से पहले ना मैं, हम भी अभी भी टी शर्ट में आप देख सकते हो, बट अब यहाँ ठंड लगनी शुरू हो गई है। मतलब सड़क वगैरह बिल्कुल सही है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सड़कें बन गई है। हेलो भाई, अंदर बैठे गए इस भाई के तंबू में। हाँ खूब आ रहे, स्वाद आ रहा है मीठी भाई, बिल्कुल मजा आ गया भाई। यहाँ कॉफी बन रही है अपनी, अरवे देव वो दोनों शिकारी है। फोटो हम लग रहे हैं, मतलब फोटो में लग रहे हैं पूरा दिन। कान में कान में कान में कान में कान में बाबूजी बोल रहे हैं क्या? अरे बोल तो क्या, किसका बढ़िया भाई सर जी, देख लो बढ़िया चीज है सर। अंबानी तू ही मजाक बना रही है। बस भाई एक कॉफी ब्रेक लिया था, कॉफी पी ली है, बस अब चलते हैं। ठंड बहुत होगी भाई, एकदम से ठंड होगी, मतलब यकीन नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले 20-30 किलोमीटर पहले तो कोई ठंड नहीं थी, पर एकदम से ठंड हो गई है। अब जैकेट वगैरह पहननी पड़ेगी। यथारा भाई रजित भाई पहुंच लिया ले, मैं मतलब बस एंट्री कर ली है, चल पड़े अपना चाय जो पी गए, कॉफी नजारे देख लिया। लद्दाख का बॉर्डर शुरू हो गया भाई, लद्दाख का हो गया बॉर्डर शुरू, कॉफी नहीं पी गए ये बाइकर मिल गए थे, रिकॉर्ड है ये जाट का झंडा लग रहा भाई। देख जड़ लगना जड़ जाओ, लग भेड़ है देख कितनी भेड़ है। और अपने का ये हां है किसी की? हां ये वो लगा तो रखे टेंट, टेंट में बैठ जा ले हेड भी तेरा। तो ये भाई जोजिला वॉर मेमोरियल और ऊपर प्राचीन शिव मंदिर और ये साइड में नदी, ये देखो नजारे देखो, बहुत गजब कॉम्बिनेशन है। ये मैं अपनी आर्मी के वो आर्मी के हेडक्वार्टर ना वो कैंप सेटलमेंट, आर्मी सेटलमेंट, आर्मी सेटलमेंट और भेड़ बकरी भाई फूल हो रहा है, इन्हें बकरी बकरी लेनी वाड़ा है जियो। बोतल ले जियो, दूध ले जियो। हाँ बोतल ले जियो, दूध ले जियो, भेड़ का दूध बहुत लाभदायक हो है विनीत, पिया कर देना बकरी का दूध होगा वो। हाँ बकरी का वाह भाई, मुझे कुत्ते सुट मार रहे भाई दिख दो सामने, इफ यू कैन नोटिस हिमालयन शेफर्ड है, हिमालयन शेफर्ड। और ये हमारे भाई मूछा मूछा में हंसते हुए राठी साहब, ग्लेशियर आंख लगा के देखते हैं कैसा है, पत्थर है भाई बिल्कुल, शिव मारी कोती रहती है। और ये देखो पीछे ये अपने राठी साहब ड्राइव करते हुए, ये कौन सा बॉर्डर है भैया? मिनी मार्ग। तो यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो चेक कराना पड़ेगा, मैं भी कराया जाता हूँ। ये रिपोर्ट दिखाने लग रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, वहाँ वो टेस्ट कराने लग रहे हैं मेरे को, ये बहुत बढ़िया क्रिएचर्स दिख गए। तो छोटा सा एक बेबी था, मैं सोचा क्यों ना आपको दिखा दूं भाई, पास जा नहीं रहा, क्या तो मार ना दे मेरे। वाइल्ड है ना ये, पता नहीं होता।
यहाँ पे घास चल रहे हैं, उधर भी देखो उस मैदान में भी बढ़िया माहौल बना हुआ है भाई। नेचर लवर्स के लिए तो जन्नत है ये, और आपको पता है तुम्हारा भाई कितना बड़ा नेचर लवर है, तो मजे आ रहे हैं पूरे। उधर भी है घोड़े, एक बार टेस्ट, एक बार यहाँ पे RT-PCR आपको टेस्ट दिखाना है, उसके बाद यहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा। ये देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने, लो भाई टेस्ट हो गया अपना, रैपिड टेस्ट हो गया है चारों का और नेगेटिव आई है रिपोर्ट, और अब हम आगे चल पड़े हैं। दिखाइए विनीत वो रिपोर्ट, स्लिप सी है उसमें नेगेटिव लिख रखा है बस नाम का, दिखाइए बस ये है भैया नेगेटिव लिख रखा है ये ऐसी नंबर टेस्ट तो करा, टेस्ट तो हो गया, टेस्ट कहां हो गया, वहां पीछे 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 आरटीपीसीआर चेक हो गए। हां हां ये रही स्लिप, गाड़ी साइड करो भाई। अभी यहाँ वहां पे हमने टेस्ट कराया था पीछे रैपिड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नंबर, वो जो स्लिप दिखाई थी ना आपको, वो स्लिप से अभी ये नंबर ऑनलाइन डाटा कर देंगे, वहां से हमें एक स्लिप मिलेगी जो फिर यहाँ से एंट्री होगी हमारी आगे लद्दाख में। मास्क पहन ले, पानी पी रहे हैं, हाँ ठीक है ये अब यहाँ पे बस बढ़िया है, जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं। और ये देखो भाई जो लद्दाख के पहाड़ है, मतलब जो जैसे लद्दाख आप सबको पता है कि लद्दाख ना एक कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ तो उधर ऐसे पहाड़ होते हैं, यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है। जैसे कश्मीर में तो आप देखते आए हो कि ऐसे पहाड़ आ रहे थे, है ना, ग्रीनरी, बट यहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ सैंड होगा, रॉक होंगे, सो तभी इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। अभी आगे आगे चलो भाई, और हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे को हल्का सा सांस, मतलब ज़्यादा तेजी से ले ही जा रही है, तो ये इतनी हाई अल्टीट्यूड पे आ रहे हैं तो ये भी होती है, इसलिए अगर वर्स्ट कंडीशन होती है ना उसके लिए हम वो लेके आए हुए हैं ऑक्सीजन वाला कैन, पर ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे पता है। ये फोटो खींचेंगे भाई यहाँ, बहुत बढ़िया फोटो खींचेंगे, और अगर आपने ये फोटोज देख ली है ये पहले आ जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे, फोटो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाएगा यूट्यूब पे इतना प्यार दे तो वहाँ भी दो। लो भाई कारगिल वॉर मेमोरियल के आगे पहुँच गए हैं और अब अंदर जाएंगे, बात कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा लेट हो गए पर फिर भी कर रहे हैं बात, ये देखते हैं अंदर जाने देंगे। जैसे कमल है ना तो उसके चाचा जी वो शहीद हुए थे कारगिल वॉर में, तो अब बात कर रहे हैं हम सोल्जर से, तो वो जाने देंगे तो ठीक है, नहीं फिर कल सुबह चले जाएंगे। बाकी बहुत अच्छी जगह है ये, और ठंड बहुत भयंकर है भाई, बहुत भयंकर ठंड है, बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड। ये देखो हमारे हीरोज, हमारे रियल हीरोज, कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर अभी मूवी भी बन रही है शायद, बन रही है, और ये सारे हमारे हीरोज है भाई, भगवान यही हमारे भाई। यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी टाइमिंग थी 7 बजे की और अब हो रहा है 8:15, तो फिर हमने बात भी करी तो उन्होंने कहा कि सर अलाउड ही नहीं है, तो हमने भी रिस्पेक्ट करी इस बात की, तो इसलिए फिर अब हम नहीं जा पाएंगे, अब हम आगे अपने कारगिल ही जाने लग रहे हैं, कारगिल यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। फिर पहुंच गया भाई कारगिल सिटी पे और होटल ले लिया है, और अब बस डिनर कर रहे हैं और जाके सोएंगे सीधा, और खाना खाने लगे रहे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं खाना, रोटी भी आ गई है। तो अभी हम भाई चल पड़े हैं कारगिल से ले की तरफ, चेकआउट कर लिया अपने होटल से और अभी मिलते हैं आपको रास्ते में। तो भाई हम कारगिल से निकल चुके हैं और मतलब 30 किलोमीटर आगे लेह की साइड जाने लग रहे हैं, और मैं बस रुके हैं थोड़ा फोटो शूट करने के लिए, और मैं इसमें रुका हूँ, मतलब थोड़ा आपको भी अपडेट दे दूँ, बढ़िया व्यू आ रहा है, बस हल्का फुल्का थोड़ी सी जो कह सकते हैं आपकी बेचैनी सी हो रही थी शुरू में सांस लेने में, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब सही में लद्दाख कहते हैं ना कि देखने की चीज़ है, तो सही में देखने की चीज़ है।
भाई ऐसे पहाड़ ना भाई कहीं नहीं देखे थे, कहीं भी नहीं देखे थे। अभिनीत कैसे लग रहे भाई? सही में नजारे गजब है नहीं? गजब होगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा। साइड में इंडस रिवर चल रही है और भाई यहाँ चल लग रहे वादिया के स्वाद ले रहे हो कमर भाई। ले जाते हुए ले से 50 किलोमीटर पहले अलची एक जगह है, यहाँ पे एक डैम है, हम उसी को देखने जा रहे हैं। और यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ पहले और फिर डैम दिखाऊंगा आपको। ये देखो भाई सिंगल रोड है भाई और बिल्कुल हाइट पर आ लिए हैं। देखो इतनी ऊंची आगे भाई, नीचे वाली वो जो सड़क है ना वहां से जा रहे थे हम। बहुत गजब रास्ता है, वो भी तो है, वो थोड़ी है, वो नहीं है ना, ठीक है। देखो भाई पूरा थ्रिल है। पूरे ऊपर चढ़ गया पहाड़ में। लोकल रास्ता है, लोकल रास्ता है। गजब जो है ये रहा भाई, ये रहा डैम। और पानी देखो कैसे आने लग रहा है ऊपर। चीज है भाई, देख लो पीछे, पीछे का व्यू देख लो कितना गजब है, तगड़ा व्यू है भाई। आप आगे से दिखाता हूँ भाई, ये पानी उड़ रहा है इतना ऊपर तक। ओहो हो, इतनी गजब चीज। भाई ऐसा व्यू तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है लद्दाख जाने वाले, ले जाने वाले लोग देखते होंगे, क्योंकि एक बीच में सिटी है, उससे साइड में जाके जाना होता है। ये तो हमें किसी ने बता दिया था तो हम यहाँ पे आ गए। पर एक नंबर का व्यू भाई, एक नंबर का व्यू, गजब। भाई वाह भाई वाह, सीनरी तो ये है मस्त। और देखो पानी, ये वहां से पानी आगे नीचे गिरने के बाद कहाँ तक जा रहा है। और एक और चीज दिखाऊं, वो देखो पानी की बोतलें पड़ी है, दिख रही है आपको? इसलिए भाई प्लास्टिक मत फेंका करो यार। वो देखो ये नहीं होती डिजॉल्व भाई। हम फातुला टॉप पे पहुंच गए हैं। देखो भाई नजारा कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक सीनरी है यहाँ पे। ये देखो भाई, मतलब सही में कहते हैं ना ले लद्दाख आना चाहिए, तो भाई वो इस सीनरी के लिए आना चाहिए। देखो भाई है ना विनीत, किसी लग रही है छत्ती मला गई है। बढ़िया जगह है नहीं भाई, जो मतलब क्या करते ले लद्दाख है नी, तो बढ़िया चीज है, एक नंबर। ये देखो बाकी जितना जो कैमरे में इतना नहीं दिख पा रहा होगा, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना, उसमें कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। सही बात है ना। तो भाई 30 किलोमीटर से इस तरफ है ले, उससे पहले यहाँ गुरुद्वारा साहिब है, श्री पत्थर साहिब, तो वो ऊपर है, वहां जाएंगे अब हम। तो गाड़ी गुड़ी खड़ी कर दिया भाई। ये देखो ये आपको लाइट दिख रही है, जितनी भी लाइट ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऊपर चढ़ना है वहां तक, वहां पे है शायद वो रहा, तो वहां जाना है। चलो चलते हैं भाई, देखा जाएगा, जाना तो है ही। चला फिर सुनो भाई, सुनो चलो भाई। एक्चुअली क्या सीन था, श्री पत्थर साहिब यहाँ पे थे, वो ऊपर निशान साहिब है, तो हम यहाँ ही दर्शन करके जा रहे हैं क्योंकि आगे लेट हो जाएंगे। बट यहाँ पे हमने जो पत्थर साहिब उनके दर्शन कर लिए।
तो भाई हम पहुंच गए ले एयरफोर्स स्टेशन और ये खड़ा है आर्मी का हेलीकॉप्टर, आर्मी का सॉरी एयरफोर्स का। चलो आगे, और आगे खड़ा है जेट, ये देखो ये है फाइटर जेट, पता नहीं कौन सा है। लो भाई ले में पहुंच चुके हैं, बोर्ड भी आ गया वेलकम टू ले। बस अब आगे होटल ढूंढते हैं और फिर चेक इन करेंगे, खाना भी खाना है। तो हम लोग सोच रहे कि जो मॉल रोड है उधर जाएंगे खाना खाने के लिए, बट अभी कुछ डिसीजन कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, पहले अब एक बार होटल देख। लो भाई हम पहुंच गए हैं, हमने गेस्ट हाउस में रूम लिया और वो रूम लिया जिसमें मतलब डबल बेड दो है, मतलब फोर चार बंदों के लिए जो कम्फर्टेबल है। दिखा देता हूँ रूम, ये रूम है भाई देख लो, ये रूम है, वो वॉशरूम है। ये व्लॉग एडिट करते हुए मैंने ध्यान दिया कि मैंने इसकी एंडिंग नहीं करी हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से आपको बता दूं कुछ। जैसे कि मैंने कहा था कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे इनकी मेन मार्केट में लेह सिटी की, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि 9 बजे रात को 9 बजे एग्जैक्ट 9 o'clock वहाँ पे सारी मार्केट बंद हो जाती है, तो वो कोविड के रूल्स हैं वहाँ पे, तो इस वजह से सारी मार्केट बंद हो जाती है, रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो हमने खाना हमारे होटल में ही खाया, और कल की वीडियो छोड़ना मत क्योंकि कल नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो जरूर इनको प्यार दो, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करो और बस थोड़े लोगों से शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। वीडियो को लाइक कर दो, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय बाय।